हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, क्या जबरदस्त लैंग्वेज थी सी प्रोग्रामिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेनिस रिची द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज जो कि सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने सी प्रोग्रामिंग सीख लिया तो आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सी प्रोग्रामिंग जो है एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ये कंपाइलर के आधार पर काम करती है। और उसमें एक टॉपिक है एरेज का, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एरे क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग हो या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, एरे का मतलब होता है कि लीनियर कलेक्शन में सिमिलर एलिमेंट्स को जब हम रखते हैं, लीनियर कलेक्शन में यानी एक सीध के अंदर जब हम सिमिलर एलिमेंट्स को रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नंबर रखा, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, तो जब भी इस इंडेक्सिंग होती है ना तो जीरो से स्टार्ट होती है। अब देखिए कैसे कैसे होता है, क्या क्या, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तीन प्रकार का हो सकता है, एक वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं या थ्री डायमेंशनल कह सकते हैं। तो ये तीन प्रकार का एरे होता है। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं void keyword और यहां मेन फंक्शन बनाता हूं। तो ये हो गया void main, और नीचे आएंगे तो curly braces ओपन कर लेंगे। और जैसे ही curly braces ओपन करेंगे तो डेटा टाइप किस टाइप का लेना है। अब जरा सोचिए डेटा टाइप का क्या मतलब हुआ। डेटा टाइप का मतलब ये हुआ कि आप क्या लिखना चाहते हैं यहां पर। तो हम यहां पर नंबर इंटर करवाएंगे, तो यहां पर इंटीजर, और इंटीजर आपको पूरा नहीं लिखना होता है, केवल इंटीजर का इंट ही आता है, ये आपको पता ही होगा। पाइथन में कई बार मैं ये चीज बता चुका हूं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं एवीजी। किस टाइप का वेरिएबल है, जरा देखिए, इंट टाइप का है, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और एक और वेरिएबल बनाते हैं सम, और इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो, यानी सम नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें क्या रख दिया है, जीरो रख दिया है। और अब इस लाइन को खत्म करना है, तो यहां पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर लाइन को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या देना होता है, सेमी कॉलन, यानी ऊपर पॉइंट लगा होता है, नीचे कॉमा होता है, इसे क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, तो चाहे तो यहीं पे बना सकते हैं या नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, आई नाम से एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, और इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर कुछ वेरिएबल्स भी बनाने होंगे। तो यहां पे इंट फिर से लिख लेता हूं मैं, और एक मार्क्स नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। मार्क्स के अंदर स्टोर कराएंगे हम चीजों को, और इसकी साइज क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें 5 जो है मार्क्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर इसे टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन दे दिया, और टर्मिनेशन देके एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। अब यहां लूप लगाएंगे, तो फॉर लूप आपने पाइथन में लूप पढ़ा होगा, फॉर लूप पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है, लेकिन यहां पर ये कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है, और यहां क्योंकि आई में हमने ऊपर कुछ दिया है, क्या देखिए, आई में कुछ तो दिया नहीं है, तो आई में इनिशियलाइज करते हैं जीरो, यानी आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो है। और फिर यहां पर हम करेंगे आई इज लेस देन 4 कर रहा हूं, यानी कि 3 तक ये चलेगा, ठीक है, ये लूप 3 तक चलेगा। और फिर यहां पर क्या होगा, आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट है। तो पाइथन में इंक्रीमेंट किसी और तरीके से होता है, यहां पर इंक्रीमेंट किसी और तरीके से। और लूप की बॉडी तो कर्ली ब्रेसेस से बनती है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट करवाने के लिए यहां पर सिर्फ प्रिंट नहीं बल्कि प्रिंट एफ लिखा जाता है। तो शायद याद होगा आपको पाइथन में आप किस तरीके से करते हैं, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर है, ठीक है। और यहां पे बैकस्लैश एन लगा रहा हूं ताकि लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। और यहां पे क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा एंटर द मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर मार्क्स एंटर होंगे, कितने सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है एंटर करवाऊंगा मैं। और यहां पे मार्क्स लिख देते हैं इस तरीके से, और डॉटेड कॉमा को क्लोज करके ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहां से देते हैं टर्मिनेशन, क्या देना है, टर्मिनेशन देना है, ताकि पता चले कि ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर स्कैनअप देता हूं, क्यों स्कैनअप दे रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यूज कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। और यहां पर डॉटेड कॉमा में %d, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इंटीजर का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और ये जाके कहां होगा, स्टोर एड्रेस ऑफ मार्क्स में ये जाके स्टोर होगा, और यहां पर आई भी हम दे देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया इस तरीके से, और इसे क्लोज करके टर्मिनेशन दे दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। जब एंटर कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पर लूप की जो बॉडी हमने बनाई थी कर्ली ब्रेसेस से उसको क्लोज कर देते हैं, और यहां पर लगा लेते हैं एक और लूप, फॉर लूप लगाएंगे। तो फिर फॉर लूप लगा रहा हूं, और आई की वैल्यू को यहां पर भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन फोर करेंगे, और फिर यहां पर भी आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई प्लस प्लस, एंटर करके नीचे आइए, लूप की बॉडी बना लीजिए कर्ली ब्रैकेट से। और अब एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर आपको क्या देना है, सम। सम नाम से जो वेरिएबल बनाया था इसमें तो जीरो स्टोर है, तो यहां लिख देते हैं सम, यानी जीरो और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा मार्क्स ऑफ आई, यानी जो मार्क्स एंटर करवाएंगे हम वो। ठीक है, एक एक करके जुड़ता जाएगा, और फिर यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे टर्मिनेट कर देता हूं। टर्मिनेट करके एंटर करके नीचे आते हैं, और अब एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवीजी इज इक्वल टू, सारी चीजें जाके कहां स्टोर होंगी, सम में स्टोर होंगी, तो सम को डिवाइड करा देंगे 4 से। ठीक है, एक्चुअली 4.0 से कर देते हैं, तो ये हो गया, और यहां पर टर्मिनेट कर देंगे, और फिर यहां पे प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ, ध्यान दीजिएगा प्रिंट मत लिख दीजिएगा गलती से। ठीक है, और यहां पे बैक स्लैश एन लगाता हूं ताकि लाइन चेंज होती रहे। ठीक है, और यहां पे दे देते हैं एवरेज मार्क्स, एम ए आर के एस एज, और यहां पे डॉटेड कॉमा क्लोज करेंगे, क्लोज करने के पहले इज इक्वल टू लगा के यहां पे दे देते हैं परसेंट डी। ठीक है, और परसेंट डी देने के बाद क्या करना है, डबल कॉमा क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, और यहां पे दे देना है ए बी जी, और ये बंद कर देना है, और यहां से टर्मिनेशन दे देना है। एंटर करके नीचे आना है, और यहां पर हम लगा देते हैं गेट सी एच, ताकि स्क्रीन आपकी पॉज हो जाए। ठीक है, अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे होंगे तो वहां पर आपको गेट सी एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां से इसे टर्मिनेट कर देते हैं, और यहां पर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हो चुका है, और अब इस प्रोग्राम को सेव करने की बारी है। तो फाइल पे जाके इसको सेव करेंगे, मैं इसे एवरेज के ही नाम से सेव करूंगा। तो ये हो गया एवरेज, और इसके फाइल की एक्सटेंशन चूंकि ये सी लैंग्वेज है तो .c होता है, एंटर कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम बन करके तैयार है, लेकिन ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, कैसे काम करेगा ये प्रोग्राम, ये देखना जरूरी है। तो यहां पर अब हमें कंपाइल करवाना होगा, तो ये कंपाइल की शॉर्टकट की अल्ट प्लस F9 होती है, आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पे ये एरर जनरेट कर रहा है। अब ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने कॉमा दे दिया है गलती से, यहां पे टर्मिनेशन रहेगा और बाकी तो सब ठीक है, आई प्लस प्लस ही रहेगा और ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। अब जो है इसको वापिस से हम जाते हैं फाइल पे और इसको सेव कर देते हैं, और सेव करके तब यहां से कंपाइल कर देते हैं, और ये कंपाइल सक्सेस हो जाएगा। और सक्सेस होने के बाद यहां पे रन पे क्लिक करना है, उसे रन भी करा लेना है। तो रन करवाया तो कह रहा है एंटर द मार्क्स, तो यहां पे 67, एंटर द मार्क्स 89, एंटर द मार्क्स 66, एंटर द मार्क्स 45, तो 4 हो गया। तो इसका एवरेज ये कैलकुलेट करके दे रहा है। अब पता करना है कि एवरेज सही है या नहीं है, तो इसके लिए आप इन सबको जोड़ करके और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ करके डिवाइड करेंगे तो 66 ही आएगा आपका एवरेज, जो है क्या आएगा, 66 आएगा, क्योंकि हमने इंटीजर भी ले रखा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इंटीजर में ही रिजल्ट को ये इवेल्युएट करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।